प्याज का कचौड़ी बनाते हैं, कचौड़ी प्याज का पकौड़ा, कोई सी टेस्ट मैच नहीं करते हैं बस। हाँ टेस्टी है। वेलकम बैक टू माई चैनल एकता श्याम ऑफिशियल व्लॉग्स, होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और आज का जो डे था ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ठंडा मौसम था आज, मतलब गर्मी के टाइम में मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं और एकदम बारिश का मौसम था, पूरे दिन आज बारिश ही बारिश हो रहा था। तो मिस्टर हैंडसम जो है मेरे पति देव वो ऑफिस से आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा है, बहुत प्यार से मुझे बोला है कि आप प्याज के पकौड़े बनाइए मेरे लिए। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में उनके लिए प्याज के पकौड़े बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ प्याज के पकौड़े का रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। सो गाइज मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप कितना ब्लूइश टाइप का मौसम है, एकदम ब्लू ब्लू। ऐसे मौसम में प्याज के पकौड़े खाना इज टू गुड, बहुत मन करता है। मैं कर देती हूँ कैमरे को सेट और आप मेरे व्लॉग में बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं प्याज के कुरकुरे, प्याज वाली कचरी। तो मिस्टर हैंडसम आ गए और इन्होंने बोला है कि कुरकुरे प्याज वाले क्या बोले पकौड़े, प्याज के कुरकुरे वाले पकौड़े बनाने के लिए। तो अभी मतलब आपको तीखा बिल्कुल अच्छा लगता है, आपको कैसे खा रहे हैं उसको? क्या बात है, अच्छा मेरे को टिप्पण तो नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं क्यों? तो अभी मैंने प्याज कट कर लिया, ज्यादा मीडियम प्याज ही कट होना चाहिए, ज्यादा पतला प्याज कट करने से और ज्यादा मोटा प्याज कट करने से वो जो कुरकुरापन है वो नहीं होगा। तो अगर कुरकुरा खाना है तो आपको तो मतलब कि आई वांट टू ईट सम केक। यू वांट केक ले आइए। सो गाइस फ्रिज में केक रखा हुआ है। वीडियो है जो कि मिस्टर हैंडसम का जो सीए जो वो बने थे, तो मैंने 20 जुलाई वाला जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर जिन लोगों ने आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को विजिट करें और उस वीडियो को देखें और ज्यादा ज्यादा लाइक करें। और फिलहाल पतिदेव यहाँ केक लेके आ गए हैं, फ्रिज का ये पार्ट ही उठा के ले आए हैं, अब इनको देते हैं केक। और मेरे बेसिन भी मत जाइएगा क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर के बाद ही क्लीन करूंगी। सो इसको इग्नोर करके चलना है। और फिलहाल इनके लिए केक मैं दे रही हूँ। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। पतिदेव तीखा थोड़ा कम खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी कम ही मिर्ची डाली है। मेरे घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं तो तीखा वो नहीं खाते हैं, तो मैं तीखा कोई भी खाना मैं तीखा नहीं बनाती हूँ। सो मैंने इसमें मिर्ची डाल दिया है। धनिया पत्ता भी अवेलेबल नहीं था मार्केट में तो इसलिए धनिया पत्ता को मैंने स्किप कर दिया है। थोड़ा सा हल्दी, तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, हल्का सा जीरा डालूंगी एकदम थोड़ा सा, इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो हल्का सा जीरा डालूंगी, हाफ चम्मच के अकॉर्डिंग आप जीरा डालना। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना है तो आप मिर्ची ज्यादा डालो और जो सूखी वाली रेड कलर की मिर्ची होती है उसको आप चॉप मतलब करके और इसमें डाल सकते हैं। तो आपको तीखा पसंद है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैं अदरक की जो मतलब अदरक होता है उसको मैं क्रश करके इसमें डालती, बट अभी अदरक सब अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। बट अगर आपको अच्छा टेस्ट खाना है तो आप उसमें अदरक डाल के देखना, ट्राई करना, अच्छा लगेगा। फिलहाल इसमें मैंने डाल दिया हल्दी, जीरा, मिर्ची। अब मैं डालूंगी इसमें, हाँ मैं डालूंगी इसमें बेसन। तो आप ज्यादा बेसन में डालेगा नहीं, तो ज्यादा बेसन डालेंगे तो वो पूरा बेसन वाला ही मुंह में टेस्ट आएगा। तो मतलब कि प्याज के अकॉर्डिंग आपको बेसन डालना है। तो मैंने 4-5 प्याज काटे थे तो उसमें मैं बेसन डालूंगी। आप ना पहले थोड़ा थोड़ा बेसन ट्राई करके देखिए, मैंने इतना बेसन डाला है आप देख सकते हैं प्याज में।
और इसमें अब डालना है सबसे इम्पोर्टेंट नमक। जो आप सॉल्ट की क्वांटिटी डालोगे तो वो आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा मतलब आप थोड़ा कम अगर सॉल्ट डालेंगे इसमें तो आप बाद में पीछे से सॉल्ट के साथ ऐड करके खा सकते हैं। बट अगर मतलब कि ये पकौड़े में अगर ज्यादा सॉल्ट हो जाए तो पकौड़े का फिर मजा नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा क्वांटिटी होना चाहिए सॉल्ट का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट, देख सकते थोड़ा सा सॉल्ट है वो इसमें डाल रही हूँ। वैसे भी पतिदेव ज्यादा नमक वाली चीजें नहीं खाते हैं, उनको कम नमक चाहिए हर चीजों में, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है। अब मैं इन सबों को क्या करूंगी, मिक्स कर लूंगी अच्छे से। तो आपको एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अभी आप इसमें कुछ मैंने नहीं डाला है, अभी आप इसमें पानी मत डालिए, पहले आप इसको पूरा अच्छे से मिक्स कीजिए। सो गाइस अब देखिए इसमें थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला था और ये येलो येलो है, बट ज़्यादा हल्दी आप नहीं डालिए नहीं तो बहुत ज़्यादा येलो हो जाएगा। मैंने एकदम लिमिट में डाला है, तो अगर आपको लगे कि थोड़ा बेसन कम हो रहा है तो आप थोड़ा बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। अभी इसको एटलीस्ट 5 to 10 minutes के लिए छोड़ देंगे। इसमें सबसे एक स्पेशल जो इसका रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी है, जिसकी वजह से ये कुरकुरा होगा और चिपचिप नहीं होगा, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बस। अब देख लीजिए, बस थोड़ा सा क्वांटिटी हमें ऑयल का डालना होता है ताकि इसको पूरा मिक्स करके उसके बाद जब मैं उसमें डालूं तो ये एकदम फैलेगा नहीं और काफी कुरकुरा होगा इससे। देखते हैं बना कि नहीं बना। बन गया, जस्ट यू हैव स्टार्टेड। हाँ, सो गाइस अभी ये 10 minutes इसका कंप्लीट हो चुका था और अभी जो मेरा ऑयल है वो भी इसमें गर्म हो गया है कढ़ाई में, तो अभी इसको डालते हैं और कुरकुरा सा टेस्टी सा टेस्ट हम बताएंगे। प्याज का कचौड़ी बनाते हैं, कचौड़ी प्याज का पकौड़ा, पकौड़ा प्याज का पकौड़ा बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट मैच नहीं करते हैं बस। तो अभी मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए अब इसमें तेल गरम हो चुका है और देखिए ये प्याज भी काफी सॉफ्ट हो गया है, तो अभी देखते हैं और इस तरीके से आप शेप बना के इसमें डालिए। ज्यादा आपको ना तेल को ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा। और तो स्लो मीडियम पे, हाँ, और जितना ऑयल हो उसके हिसाब से आप इसमें देंगे, ज्यादा मतलब भरेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, कुरकुरा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है जितना स्पेस होता है आपको इस ऑयल में उतना ही देना है। आप राउंड कर सकते हैं, 2 round 3 round कर लेंगे। इस तरीके से मैं दे रही हूँ इसमें, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जब तक ये पकेगा नहीं तब तक इसको टच नहीं करना है, पहले पकने देना है, नहीं तो अगर आप उसको कच्चे में उल्टाने की कोशिश करेंगे तो पूरा फैल जाएगा आपका ये। ओह माय गॉड, रियली दिस इज यम्मी। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने अभी उसको उल्टाया नहीं है, पलटा नहीं है, बस एक ही यही पलटा क्योंकि ये नीचे से पूरा एकदम हो गया था क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम में डाला था। फिलहाल अभी मैं लो मीडियम लो पे पूरा इसको मीडियम फ्लेम पे उसको पकने दे रही हूँ, बिकॉज अगर आप इसको उल्टा कर दोगे और लो बढ़ा के चाहोगे जल्दी जल्दी हो जाएगा तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि अंदर से कच्चा हो जाएगा और ऊपर नीचे से पक जाएगा। तो पकौड़े हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा ताकि अंदर से भी ये पूरा अच्छे से पक जाए। फिलहाल ट्राई करके देखिए, ये आपके मेरे अकॉर्डिंग आप अगर ट्राई करोगे तो अच्छा लगता है या नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इन सबों को पलट दिया था और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये ना फैला नहीं, जो कि फैलना चाहिए, ये फैला नहीं है जो कि फैलना चाहिए था। सो आई एम वेरी हैप्पी और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बाहर आने तक के लिए। आप ज्यादा रेड मत कीजिए नहीं तो वो जलना शुरू हो जाएगा फिर। तो मैं अब इस गरम गरम प्याज के पकौड़े को बाहर निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा औसम लग रहा है। और ये प्लेट मैंने स्पेशली मतलब कि पकौड़े वगैरह खाने के लिए ही ऑर्डर किया हुआ था। लुक तो बहुत अच्छा है, टेस्ट नहीं बहुत गर्म होगा अभी थोड़ी देर में, देखिए लुक कितना अच्छा लग रहा है। जी मैं इसको कहीं पे एडजस्ट कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ। सो फाइनली ये हमारा हो पक रहा है, ये वाला पकौड़ा, ये पकौड़ा रेडी है, बट ये होने के बाद ही खाएंगे एक साथ। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज इतना अच्छा पकौड़ा कैसे बन गया। एक बार ही मैंने बनाया पूरा फैल गया था, बट इस बार थोड़ा ट्रेनिंग के साथ मैं बना रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये,
मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि ये जो प्याज के पकौड़े हैं ये कुरकुरे बने हैं या नहीं। तो गाइस ये हो चुका है रेडी और मिस्टर हैंडसम अभी देख रहे हैं न्यूज। अच्छा लग रहा है वाओ। और पतिदेव अभी देख रहे हैं न्यूज। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो मैंने सस्पेंड में दूध डाल दिया है। फिलहाल मैं चाय पत्ती चीनी निकाल रही थी चाय बनाने के लिए। बारिश के मौसम में चाय पीने में बहुत मजा आता है। बट आई एम अ चाय लवर। तो आप लोग में से जो भी कोई चाय लवर है तो कौन कौन है चाय लवर मुझे कमेंट में बताइए, जरूर बताइएगा। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा एकदम प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिएगा आज के ब्लॉग में। मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर ब्लॉगिंग करने की, थोड़ी शाय फील करती हूँ दैट्स वाई। और कभी कभी पतिदेव घर में नहीं होते हैं तो मैं सोचती हूँ मैं क्या अकेली ब्लॉगिंग करूँगी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहेगा, मैं कुछ अपलोड करती रहूँगी। फिलहाल मैंने दूध में डाल दिया है चाय पत्ती और चीनी और मेरा चाय बन रहा है। जब ये खोलेगा तो आऊंगी। फिलहाल ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है किचन में। मुझे ना थोड़ा मतलब मुझे डेकोरेट करके रखने में अच्छा लगता है। पतिदेव यहाँ पे उनका फेवरेट चैनल मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाइल्ड HD को डिस्कवरी देखना बहुत पसंद है उनको। ना एनिमल्स से बहुत प्यार है जैसे कि आप पहले वीडियोस में भी जानते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। वो ज़्यादा समय जब वो आते हैं ऑफिस से तो वो एनिमल्स वगैरह का ही देखते रहते हैं। और मेरे प्यारे कुचू पुचू को ना रियल वाला चीज़ ही पसंद होता है। हाँ और ये अगर आप 5 मिनट बैठ जाइए तो आपको खुद ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इसे उनको बहुत पसंद है डिस्कवरी चैनल। क्या हुआ सॉफ्ट है इसको मत दबा। अच्छा सॉफ्ट है दिखाइए। तो एक गाल में करते हैं तो एक गाल में करते हैं तो दूसरी गाल में एक गाल में छुएंगे तो दूसरी गाल में छूना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं होता, ऐसे काम नहीं चलता। चाय चाय नहीं मिलेगा आपको। और जिस जिसको भी चाय पीना है मेरे हाथों का आप लोग मेरे घर आ सकते हैं चाय पीने के लिए। मैं बहुत ही अच्छा चाय बनाती हूँ, एकदम कुल्हड़ वाली चाय होती है मेरी। बोली क्या बोल रहा है मिस्टर बिजी, बोली क्या बोल रहा है। क्या बोले अब अभी क्या बोल रहे थे कुछ। ये सब जो भी चाय हो खाना हो कुछ भी चीज हो लिमिट में ही खाने चाहिए। यस ताकि आपको हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी वेरी बैड एंड इट इज वेरी हार्मफुल आल्सो एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। सो आप कुछ भी खाओ पियो लिमिट में खाओ, कुछ भी एक्टिविटी करो, कुछ भी चीज़ एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड। तो उनके कहने का यही मतलब है कि चाय भी है तो वो लिमिट में होना चाहिए। फिलहाल अभी पतिदेव फ़ोन देख रहे हैं और मैं थोड़ा सा TV देख लेती हूँ। और मैंने तो चाय टेस्ट करा ही नहीं था। सही है, अच्छी बनी है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। वैसे एक बात बताओ मिस्टर हैंडसम भी बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। संडे को होगा ना, संडे को आप चाय बनाइए। संडे को सब बनाते भी हैं।
अपना चार संडे में सिर्फ एक ही संडे को बनाते होंगे चाय, वैसे नहीं बनाते ये। रात के बज चुके हैं 10, डिनर वगैरह मैंने कर लिया था, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो चुका था उस टाइम। और अभी मैं देख रही थी मिका दी वोटी, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी चलते हैं रूम में, देखते हैं मिस्टर हैंडसम क्या कर रहे हैं। लाइट्स ऑफ, और मैं टीवी भी ऑफ कर देती हूँ। और किचन में देखिए फैन चल ही रहा है, मैं भूल गई थी बंद करना। गैस ऑफ, गैस मैं हर रोज रात में ऑफ करती हूँ, और फिल्टर का भी स्विच हर रोज। भी जाते हैं, अंधेरा हो गया। सो पतिदेव, व्हाट आर यू डूइंग? अभी तक आप सोए नहीं? आप तो बोले कि मैं बहुत थक गया हूँ काफ़ी। आज आपका एकदम फेस बहुत डल हो गया, मतलब इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं हर रोज बोलेंगे आज बहुत काम है ऑफिस में, लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, हमेशा ड्यू डेट होता है। और फिलहाल बाहर देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है, और ये रोड है, पता नहीं आगे मेरा पूरा सुनसान हो गया। रात के 10 बज गए हैं, तो ऑफकोर्स सब अपने घर में होंगे। एक्चुअली मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, तो थर्ड फ्लोर से इतना मस्त दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो गाइज मेरे प्यारे कुचू पुचू अभी फ़ोन देख रहे हैं, और होप करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। और मैं कोशिश कर रही हूँ डेली व्लॉगिंग करने का, और मैंने वो वाला व्लॉग जो था पतिदेव के 4 इयर्स कंप्लीट होने के, सीए बनने का जो व्लॉग था, 4 इयर्स जो कंप्लीट हुआ, तो मैंने वो सेलिब्रेशन किया हुआ था, तो वो व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया प्लीज़ जाके उसको चेक कीजिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे व्लॉग्स को, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय।